प्यारे दिल्ली वासियों, आपको सत सत नमन, और संपूर्ण भारतवासियों आपको भी सत सत नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि बहुत दिनों से एक चर्चा मैं हमेशा देखता हूं कि राजनेताओं पर लगातार गंभीर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, करप्शन के और कई अन्य तरीके के, और लगते ही आ रहे हैं। अब मैंने ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर एक रिसर्च करी पिछले 3-4 साल के अंदर, और बहुत सारे इसके संबंधित फोटोएं और आंकड़े जुटाए, खास तौर से इलेक्शनों के दिनों में और एमसीडी वार्ड नंबर 66 के अंदर, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन उन सभी पार्टियों के अंदर मैंने ये देखा कि उनके छोटे से छोटे जो भी इलेक्शंस होते हैं, खास तौर से पार्षद के, एमएलए के, विधानसभा के या एमपी के, तो मेरे को देखने में आया कि बहुत सारे कार्यकर्ता ना तो घर से खाना लेके आते, जो कि दावा करते हैं कि हम इस पार्टी के कट्टरवाद हैं, मर जाएंगे, हम इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारी पीढ़ियाँ साथ नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जब इलेक्शन का दिन आता है तो मैंने इन लोगों को देखा है कि अपनी पार्टी के और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिनके साथ 30-40-50 साल इनके निकल जाते हैं, उनके साथ अपने घर से खाना बना के लिए आए, जो कि रोज ही हर लोग घर में खाना खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, छोले भटूरे भी बनते हैं, पकौड़े, समोसे, चाय, सब तरह के इनके वो बनते हैं पकवान, शादियों में करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लाखों से करोड़ों रुपये लोग, और उस दिन इन सबकी उम्मीद होती है कि जो नेता है वो अपनी जेब से पैसे खर्च करे और उनको जो है 3-4 टाइम का उस दिन का पानी, नाश्ता, खाना सर्व करे। और ये भी कैटेगराइज होता है, अगर झुग्गी झोपड़ी या स्लम एरिया में जाना है तो आलू पूरी की सब्जियों के पैकेट जाते हैं, और अगर कोठी एरिया में या सोसाइटियों में जाता है, भेदभाव रखा जाता है यहाँ नेताओं के द्वारा, तो वहाँ 200-250 रुपये की थाली किसी अच्छे हलवाई की रखाई जाती है, और वो कार्यकर्ता अपने घर पर भी 2-3 थालियाँ लेके आता है, और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं मैंने उनको भी ये देखा है कि वो भी जो है खाना जो है इन पॉलिटिशियंस के, इन पॉलिटिकल पार्टियों का दिया हुआ खाना वो उनको ऑफर करते हैं और वो उनको सब खाते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप होता है, वहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, सरकारी लोग, ये बहुत गंभीर आरोप हैं और बड़ी गंभीर समस्या है कि इस देश के नेताओं के ऊपर हम लोग लगातार आरोप लगाते हैं और उन्हीं से इलेक्शनों के 10-15 दिन के अंदर उनका इतना खर्चा करवाते हैं। अब तो बहुत लगाम लग गई है इलेक्शन कमीशन के सख्त होने के बाद, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, बिल्ले, झंडे, टोपियाँ, इन पर कितना अरबों खरबों रुपया खर्च होता था, पूरे भारत में बहुत लगाम लगी है फिजूल खर्ची, और ये सब काले धन से होता था। और अभी भी बहुत तरीके आरोप लगते रहे हैं कि शराब बट रही है इलेक्शन के दिनों में, पैसे बट रहे हैं, खाना बट रहा है, गिफ्ट बट रहे हैं, बहुत सारे केस दर्ज होते रहे हैं। तब भी मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि जब तुम एक नेता से एक इलेक्शन के दिन खाना नहीं ला सकते, उससे खाने की उम्मीद रखते हो, घर ले जाने की उम्मीद रखते हो, वहाँ पे मौजूद सरकारी कर्मचारी जिनकी 1.5-2 लाख तक तनख्वाही हैं वो लोग खाना वहाँ से खाते हैं, तो ये कैसा, और क्यों भेदभाव की रीति होती है कि इस देश का 75% वोटर स्लम एरिया से और वहाँ से आता है, उनके लिए आलू पूरी के पैकेट बनते हैं और उनके लिए 200-250 रुपये के पैकेट बनते हैं, भेदभाव क्यों करते हैं नेता? और फिर यही नेताओं को तुम अपनी शादी ब्याह पार्टियों में बुलाते हो और इनके पैर छूते हो, प्रतिदिन हजारों लोगों को देखा जाता है इन नेताओं के पैर छूते हैं, और इन सब नेताओं के पास गाड़ियाँ, ड्राइवर, बढ़िया कपड़े, 8-10 हज़ार कुर्ता पजामा, कलफ लगा हुआ ये लोग पहनते हैं, शादी ब्याह में पहुँचते हैं, शगन देते हैं। तो जब मैंने कई सारे नेताओं से बात करी कि ये सब पैसा कहाँ से आता है और इसका इनकम टैक्स में तुमको हिसाब नहीं देते, तब वो कहता पैसा कहाँ से आएगा, यही जनता से आता है, कह रहे वही रास्ते हैं जिसके लिए जनता रोज रोती है, यही जनता हमारे को शादी में बुला के फोटो खिंचवाती है, हमारे पैर छूती है, नहीं आते तो नाराज हो जाते हैं। तो जब एक शादी के अंदर हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक घूमते हैं तो ड्राइवर को 15-16 हज़ार से कम, 20 हज़ार से कम का ड्राइवर नहीं है, और 200-300 रुपये ड्राइवर एक्स्ट्रा लेता है, जब शाम को उसको लेट हो जाता है 500 रुपये ड्राइवर एक्स्ट्रा लेता है, कपड़े कलफ लगा के पहन के जाने पड़ते हैं, 4-5 शादियों में जाने पड़ते हैं, तो कहाँ से आएगा ये खर्चा? गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट, ये जो लोग हमें कहते हैं कि नेता भ्रष्ट है, तो नेता क्या करेगा? भ्रष्ट हमसे नहीं है, हमारे से ज़्यादा भ्रष्ट ये जनता है, क्योंकि जनता को इलेक्शन के अंदर खाना चाहिए और गिफ्ट चाहिए और अपने काम करवाने होते हैं, अपने जानकारों के अवैध काम, जो कि इस देश के कानून में अलाउड नहीं है, और फिर आरोप नेताओं पर लगाते हैं। और यही बच्चे नेता कौन है जो इन्हीं के बीच में से अफसर, इन्हीं के बच्चे जो जनता के बीच में से निकल के आगे नेता बनते हैं, अफसर बनते हैं, और फिर ये उन्हीं को ही कोसते हैं जब वो आगे जाके भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो मैं आज इसे बताऊंगा पूरे भारत की जनता से, दिल्ली की जनता से, एमसीडी वार्ड नंबर 66 की जनता से, कि वो इस विषय में सोचे। इसीलिए आज कोई भी नेता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, पब्लिक स्कूल में पढ़ाता है। दिल्ली पुलिस के 1500 इंस्पेक्टर हैं, आप काउंट करके देख लो, SDM, IAS, IPS, जितने टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं, सभी लोगों को आप देखो उनके बच्चे किसी बड़े स्कूल में पढ़ते हुए मिलेंगे, कोई भी आपको जो है इस पे नहीं पढ़ता हुआ मिलेगा कि वो कोई अपना इसके अंदर मिलता हुआ। ये एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि इस चीज़ के अंदर जो है कि इस चीज़ के अंदर ये एक बहुत गंभीर विषय है,
तो मैं ये आज आपके साथ बात साझा करना चाहता हूँ कि वो लोग सरकारी अस्पताल के अंदर अपना इलाज नहीं करवाते, प्राइवेट स्कूल में इलाज कराते हैं। और आपने खास तौर से देखा, जब ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का या कोई और भ्रष्टाचार का केस दर्ज होता है तो नेताओं को सबसे पहले दिल की बीमारी का दौरा पड़ता है, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, उनकी बीमारी, तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और गरीब जनता कहाँ जाती है? सरकारी हॉस्पिटलों में लाइनों में लगी रहती है, झटके खाती हैं, गालियां खाती हैं और उनके साथ तनिक क्या क्या सलूक वहाँ और उनके परिवार को झेलना पड़ता है। बाथरूम, टॉयलेट, लिफ्ट की क्या कंडीशन है आप यहाँ देख सकते हो। तो ये सब चीजें मैं आज इसलिए साझा करना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के अंदर हर मंत्री, संतरी, नेता, अफसर, जनता चाहते हैं कि उसके बच्चे की, लड़की की ट्यूशन टीचर की नौकरी लग जाए, क्योंकि 5-6 घंटे की नौकरी है, घर आ जाती है, लेकिन उस स्कूल के अंदर अपने बच्चों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता। आप ये हालात इतने देश के खराब है कि जो टीचर्स जो स्कूल के अंदर पढ़ाती हैं, जो मंत्री आम आदमी पार्टी के दावा करते हैं, खासतौर से रानीबाग के अंदर, वो उनके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं टॉप के, लेकिन वो सरकारी स्कूलों के अंदर, जिससे पता चलता है कि बिल्डिंगें तो बढ़िया बना दी आपने, बिल्डिंगें बढ़िया बना दी, लेकिन सुरक्षा का, जो जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत घटिया है, सोच बहुत घटिया है अभी भी। वो लोग वहां वो सब तक नहीं सुधरेगी जब तक वो इसके अंदर अपने बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। आज झुग्गी झोपड़ियों के अंदर लोग वोट मांगने जाते हैं, शुक्रगुप्त स्टीवन चैटिंग में अक्सर नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों की शादी उस मोहल्ले में नहीं करेगा, गोद नहीं लेगा, लेकिन उनको गुमराह करने के लिए पहुंच जाएगा, ठगी करके, सपने दिखा के, वादे करके, उनके दुख सुख के उनसे वोट ले लेता है। यही चलता आ रहा है और आज भी यही चल रहा है। अब मैं ये सोचता हूँ कि इसको रुपये लगनी चाहिए, तो आज लास्ट में कंक्लूजन में आके दे रहा हूँ कि सभी सरकारी कर्मचारी और नेताओं के लिए कंपलसरी हो जाए कि जिसके बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े, जिसके बच्चे या वो खुद का इलाज परिवार का सरकारी अस्पताल में करवाए और उसका रिकॉर्ड दे इलेक्शन कमीशन को पिछले 10 साल का, उसी को सिर्फ आने वाले दिनों में चुनाव की टिकट दी जाए, और जिसके जो अपनी लड़की की या लड़के की शादी स्लम एरिया के अंदर करे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसका कहते हैं, जिसका दुरुपयोग भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, कि झुग्गी झोपड़ी और स्लम एरिया के अंदर रहने वाले कम से कम 5 साल पुराने व्यक्ति के साथ अगर अपनी लड़की को शादी करता है, उसी को केंद्रीय मंत्री का और या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, विधायक का टिकट दे। और आम आदमी पार्टी के भी मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल सिसोदिया से बोलूंगा, जो बार बार दावा कर रहे हैं कि जादू, ये जादू की भी पोल खोलेंगे, ईमानदार पार्टी और ईमानदार नेताओं की बात करते हैं, आखिर उनके नेताओं को कब ईमानदारी आएगी कि अपनी शादियों में तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और जनता से झूठे वादे करते हैं, सीमेंट शेडिंग के अंदर जाके, जे कॉलोनियों में जाके जनता को गुमराह करते हैं, जब शादी करने की बात होती है तो वहां पे नहीं जाते ना, उनको बुलाते, जब वो लोगों के सामने ये बात आती है कि उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाना, तो वहां ना पढ़ाने जाते, सिर्फ शिक्षा देने जाते हैं, भाषण देने जाते हैं, वहां की बिल्डिंगें बनवा के फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। ये सब जो चल रहा है ये रुकना चाहिए। इनके कार्यकर्ताओं के बच्चे ईडब्ल्यूएस का या मंत्री के अप्रोच का सहारा लेके, बड़े बड़े यहाँ हमारे यहाँ स्कूल है, शकुर बस्ती विधानसभा वार्ड नंबर 66 के आसपास, तो सराउंडिंग 3 किलोमीटर के अंदर उनके अंदर पढ़ रहे हैं बच्चे। तो ये अब सब, अब समय आ गया बदलाव का, बदलाव आना चाहिए। और अब कुछ और बातें आगे से साझा करेंगे, करते रहते हैं। रानीबाग में बड़े स्तर के ऊपर व्हाइट कॉलर माफिया हैं, जिन्होंने पिछले 15 साल में सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर 15 साल 14 साल के बच्चों के अंदर, उनके जीवन के अंदर इतना जहर घोल दिया है कि आज शाम को वो लोग हाथ दांत में दारू की बोतल लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं जाते हैं, सभी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे शराब की बोतल, सिगरेट, गांजा, ये हुक्का, मांस मीट, नॉन वेज पीते हुए घूमते हुए खुले नजर आते हैं। इन पर कोई रोकथाम नहीं है, मटका चल रहा है यहाँ पे, हर पटरी रेडी भी बैठने वाला, आम खुलेआम पटका चल रहा है, अवैध रिक्शा चल रही है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, हर जगह हर एक काम की, अवैध काम की कीमत बनी हुई है और वो कीमत चुकाई जा रही है, और सरकारी एजेंसी और सरकारी एजेंट उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, और कोई कार्रवाई होती भी है तो पिक एंड चूज पॉलिसी पे होती है, आवाज उठाने वाले पे फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उनकी जान को खतरा है, कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं दियाती। अगर कोई इतिहास के पन्ने में से कोई ऐसा आदमी खत्म हो गया तो हो गया, चापलूसों की सरकार चल रही है, लोग ऐसे लोगों ने अपने रिलीजियस संस्थाएं खड़ी कर ली हैं, अपनी एनजीओ बना ली है, आरडब्ल्यू बना ली है, पत्रकार बना लिए, ऐसे लोग बना लिए, टीम बना ली है कि किसी बड़े सरकारी अधिकारी को, नेता को गुमराह करना है तो उसको गुमराह भी कर सकते हैं। और उन्होंने सभी जो पॉपुलर पार्टी चल रही हैं राजनीतिक, उनके अंदर अपने अपने आदमी खड़े कर दिए हैं, खास तौर से दिल्ली के अंदर 3 पार्टियों के अंदर सभी माफिया घुस गए हैं, और इसी चीज़ का फायदा उठा कर कि कार्यकर्ताओं को समोसा चाहिए, कचौड़ी चाहिए, पटका चाहिए, टोपी चाहिए, नारेबाजी चाहिए, माइक चाहिए, खाने का सामान चाहिए, नेता से ज़्यादा वो चीज़ को देते हैं। तो ये जब तक चलेगा
तो इस देश के अंदर ना भ्रष्टाचार सुधरेगा ना कार्य प्रणाली सुधरेगी, और अगर सुधरेगी तो उसके अंदर बहुत कम स्तर के ऊपर तरक्की होगी और ये रुकावटें बनी रहेंगी। मैं चाहूंगा उज्जवल भविष्य, उज्जवल भारत के लिए सभी नेता, केंद्रीय नेता, सरकारी नेता, राज्य स्तर के नेता, कम समस्त IAS IPS SHO रैंक के अधिकारी, ACP रैंक के अधिकारी, खासतौर से वीरेंद्र कादियानी जिनका भी कांग्रेस के नेताओं ने और पूर्व कांग्रेस नेताओं ने भव्य फेयरवेल रखा 5 स्टार ढाबे के अंदर रानी बाग स्टैंड के पास, जिसमें 100-150 लोग इकट्ठे हुए। तो मैं चाहूंगा कि अगर ऐसे अधिकारी सामने आके जनता से अपील करेंगे, इस तरह की अपील करेंगे, तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई उज्जवल भविष्य देखने को मिलेगा, क्योंकि पुलिस अधिकारियों की भी बड़ी अहम भूमिका है कि आज लोग पुलिस अधिकारियों को अपने शादी ब्याह में फंक्शन में बुला के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने कार्यालय में, अपने घरों में, ऑफिस में बुला के उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, रिश्तेदारों से मिलवाते हैं। और ये एक एक तरफ तो अच्छी चीज़ है, लेकिन यही दिक्कत ये आती है कि यही पुलिस अधिकारी जो बड़े बड़े कार्यालयों में, महलों में और ऑफिसों में जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलरों के इनके यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यही पुलिस अधिकारी जब किसी झुग्गी झोपड़ी के अंदर कोई सेलिब्रेशन होता है तो झुग्गी में जाके 2 घंटे 1 घंटा नहीं बैठ पाते, किसी महिला से बच्चे से मिलने वहाँ पे जाके ये नहीं देख पाते कि वहाँ क्या समस्याएं चल रही हैं, अंदर जाके कोई उनको अवेयरनेस कैंप नहीं चलाते इन झुग्गी झोपड़ियों में, सीमेंट शेडिंग के अंदर जो क्लस्टर एरिया है जहाँ मूल, जहाँ से क्राइम पलता है, और ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी भर अगर एक बार क्राइम के जंगल में फंस जाते हैं अज्ञानता की या किसी मजबूरी की वजह से, तो पूरा जीवन वो निकल नहीं पाते, उनपे मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। और इस समस्या से निकालना ही मैं समझता हूँ पुलिस अधिकारी की भी जिम्मेवारी है, RDO NGO नेताओं की भी जिम्मेवारी है कि समय समय पर वो वहाँ अवेयरनेस कैंप लगाएं, उसकी फोटो बनाएं और समाज में जागृति लाएं, और पुलिस अधिकारियों को ऐसी चीज़ों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं तो रानीबाग थाने से चाहूंगा कि मनोज कुमार SHO साहब आए हैं सिक्योरिटी से, उनके आने के बाद कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा कि उनसे कि ये ऐसी एक कार्य प्रणाली करें, कम से कम अपने थाने के क्षेत्रों के अंदर जितने क्लस्टर झुग्गी झोपड़ी के एरिए हैं वहाँ जाएं, लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को साझा करें, उनको डायरी में रख सकें, DD में एंट्री करें, और उनको अवेयरनेस कैंप लगाएं, एडवोकेट से मिलें, बार एसोसिएशन से मिलें, DLSA से मिलें, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे से लोगों का सरल व्यवहार रहे रहता है, हजारों लोगों से मिलना जुलना रहता है, समय समय पर हम अपने स्तर पर जो मदद हो सकती है उनकी करते हैं, तो ऐसे लोगों से मिलजुल के उनके अंदर अवेयरनेस कैंप लगाएं, ताकि वो लोग इस देश की तरक्की का एक अटूट और भाग्य जरूरी हिस्सा बने, और जब ये ऐसा हिस्सा बन जाएगा तो मेरे को लगता है कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे जाएगा। और पूरी उम्मीद में रखूंगा DCP आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट समीर शर्मा जी से भी, आदरणीय उनसे, कि वो भी इस चीज़ के अंदर हिस्सा ले। मैं इस हमारी कोर्ट के रानीबाग थाने की कोर्ट है 101 नंबर, और 113 में बहुत सारे केस चल रहे हैं, और DJ नॉर्थ एंड वेस्ट है, उनसे भी मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि वो भी ऐसा प्रयास करें, आदरणीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी पूरे भारत में ऐसा प्रयास करने का प्रयास करें कि क्लस्टर और जे कॉलोनियों में अगर पहुंचे और वहां के लोगों को जागरूकता करें कानून के प्रति भी, तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर सुधार होगा और क्राइम के दर में बड़ी कमी आएगी और राष्ट्रीयता की भावना लोगों में बहुत ज्यादा तरीके से फैलेगी। इस शब्द जय हिंद जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।